जय श्री कृष्णा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को संतान सुख, आरोग्य एवं जन्म व मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई है। इसलिए यदि आप एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए उत्पन्ना एकादशी सर्वोत्तम है। वैसे तो आप किसी भी एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु उत्पन्ना एकादशी इसके लिए सर्वोत्तम बताई गई है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन देवी एकादशी श्रीहरि विष्णु के अंश से जन्मी थी और उन्होंने मुर नामक असुर का वध किया था। यह व्रत करने वाले मनुष्य की सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरा करता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रही है। वहीं एकादशी तिथि का समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर होगा। एकादशी का व्रत उदयतिथि के अनुसार किया जाता है। वहीं जब एकादशी 2 दिन पड़ रही है, इसीलिए गृहस्थ संप्रदाय अर्थात गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग एकादशी का व्रत 8 दिसंबर 2023 को रखेंगे। साथ ही वैष्णव संप्रदाय के लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत 9 दिसंबर के दिन रखेंगे। गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग जो कि 8 दिसंबर 2023 को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रख रहे हैं, वह 9 दिसंबर 2023 को दोपहर में 1:15 से दोपहर में 3:20 के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 10 दिसंबर को सुबह 7:02 से सुबह 7:13 के बीच उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए इसकी पूजा विधि जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे एवं भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। उसके बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान करें। यदि आपके पास सुविधा है तो पवित्र नदी में स्नान करें। यदि सुविधा नहीं है तो अपने घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। उसके बाद यदि संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन पूजा में काले या नीले रंग के वस्त्रों का उपयोग ना करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद आप जहाँ पर भी पूजा करना चाहते हैं वहाँ पर उसका पानी में गंगा जल डालकर जगह का शुद्धिकरण करें एवं फिर वहाँ पर चौकी स्थापित करें एवं स्वयं पूर्व दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करते हुए बैठे। फिर चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद आचमन करते हुए व्रत का संकल्प लें। साथ ही घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें एवं फिर भगवान विष्णु का गंगा जल एवं पंचामृत से अभिषेक करें। साथ ही भगवान विष्णु को चंदन, धूप, फूल, तुलसी और नैवेद्य अर्पित करें। ध्यान रखें, भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु बिना तुलसी दल के भोग ग्रहण नहीं करते हैं एवं एकादशी के दिन चावल का प्रयोग ना करें। इसके बाद हाथ में पुष्प लेते हुए एकादशी व्रत की कथा पढ़े। कथा पूरी होने के बाद अपने हाथ में जो पुष्प लिया है उसको भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें। कथा सुनने के बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें एवं विष्णु मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। अंत में आरती करें एवं सुख समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें और शाम के समय आरती कर फलाहार ग्रहण करें। उसके बाद रात्रि में दीपदान करना चाहिए। ये सभी सात्विक कर्म भक्तिपूर्वक करने चाहिए। यदि संभव हो तो पूरी रात्रि जागरण करते हुए श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करना चाहिए। यदि पूरी रात्रि जागरण संभव नहीं हो तो कम से कम 1 से 2 घंटे जागरण अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन अपने हृदय में पवित्र एवं सात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष या फिर नकारात्मक भावना अपने मन में नहीं लानी चाहिए। इसके बाद अगले दिन व्रत का पारण करें एवं श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें एवं उन्हें भोजन कराएं। इस तरह से आप एकादशी व्रत कर सकते हैं। यदि आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी उसके लिए सर्वोत्तम मानी गई। किसी भी एकादशी के दिन आपको चावलों का प्रयोग पूजा में नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को प्रसाद में तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। आइए अब हम एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था, उसका नाम मूर्त। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता
मूर दैत्य के अत्याचार से दुखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन जी रहे हैं। राक्षसों के भय से हमें बहुत दुख और कष्ट हो रहा है। मैं स्वयं भी बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवता की तो बात ही अलग है। हे कैलाशपति, कृपया करके आप मूर दैत्य का अत्याचार से बचने का हमें कोई उपाय बताएं। देवराज की इस तरह की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्रीहरि के पास जाइए। मधु और कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं की अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश के अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवता क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान श्रीहरि शेषशय्या पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य है। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं। कृपया करके आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर अपनी रक्षा के लिए आपके पास आए। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्युलोक में घूम रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं। हे नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण जिसके भय से पृथ्वीलोक में भटक रहे हैं, क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे यह सब हाल बताओ। फिर भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मुर नाम का एक पुत्र है जो चंद्रवर्ती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है तथा सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसलिए आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करने वाली देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इस समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया कि श्रीहरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। इसीलिए अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आए और दैत्य पहले से भी अधिक जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करते। दैत्यों के आक्रमण वारों को श्रीहरि विष्णु अपने चक्र, गदा इत्यादि से नष्ट करने लगे। इस प्रकार युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्युलोक में चले गए, किंतु दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो अभी तक बाल विवाह का नहीं हुआ था, वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते, वह सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्प समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्रीहरि उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत नहीं सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य वहीं गुफा में चला आया। वह दैत्य भगवान श्रीहरि को सोता देखकर उनको मारने के लिए तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु के देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला। अब उस दैत्य को क्रोध आया तो उसने कन्या को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। उस तेजस्वी कन्या ने दैत्य से मल्ल युद्ध किया एवं युद्ध में उसे हराकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया।
सर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर समाप्त हो गया। बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में चले गए। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तो उन्होंने असुर को मरा हुआ देखा। वह उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्रीहरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने के लिए तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। कन्या की बात सुनकर भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है। हे कन्या, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं का कष्ट हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करूँगा। भगवान की बात सुनकर कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि के समय एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्रीहरि ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा, मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे, अंत में इस संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उसके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और चौदस से भी अत्यधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, यह मेरा एकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्रीहरि उस स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे, उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी असुर भला कैसे टिक सकते हैं। इस दिन जो मनुष्य एकादशी महात्म्य को सुनेगा या फिर उसको पढ़ेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसके सभी पाप मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर कीजिए।